हेलो गाइज, आप सब कैसे हैं? आप सबको पूनम प्रदीप ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं गाइज? तो आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहिए। तो अभी हम ब्लॉग शुरू करने जा रहे हैं और आज आप लोग को अपने ब्लॉग में क्या दिखाने जा रहे हैं बताते हैं। आज कुछ मतलब अच्छा बनाने जा रहे हैं। अभी तो सावन का महीना चल रहा है, अभी तो कुछ मांस मछली खाना नहीं है, तो अभी यही सब खाएंगे हम लोग। तो देखिए, आज हम करेला का भड़वा बनाने जा रहे हैं। करेला का भड़वा बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, करेला को बड़े बड़ा बड़ा करेला है, इसको हम काट के इसके अंदर का सब निकाल दिए हैं, जो अंदर का बिया होता है निकाल दिए हैं। और देखिए, प्याज भी काट लिए हैं। चार गो करेला है बड़ा बड़ा, और देखिए प्याज काट लिए हैं। और ये देखिए सरसों और हरा मिर्चा और कुछ नहीं, सरसों पीसे थोड़ा सा और दो तीन हरा मिर्चा पीसे हैं। और इसमें हम हल्दी डाल दिए। और ये करेला को मतलब देख लीजिए, आपको दिखा देते हैं। इसके अंदर से जितना था मटेरियल इसको निकाल दिए हैं, निकाल के बिया था फेंक दिए हैं। और करेला को ना गर्म पानी में थोड़ा सा उबाल दिए हैं। गर्म पानी करके उबलता हुआ पानी में थोड़ा सा नमक दे के और करेला को दे दिए थे। क्या होता है, इस थोड़ा हल्का तीतापन निकल जाता है तो थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो इसको थोड़ा हल्का उबाल दिए हैं, ज़्यादा नहीं उबाले हैं। तो अब जाते हैं करेला को फ्राई करने। तो देखिए, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गरम, मेरा हो गया है। इसमें थोड़ा सा तेल देंगे। तेल दे दिए और तेल गरम हो जाने के बाद ये देखिए करेला को दे देते हैं। गरम हो गया तेल और इसमें हम दे देते हैं थोड़ा हल्का फ्राई कर देंगे करेला को, थोड़ा लाल लाल हो जाएगा। उसके बाद इसका मसाला बनाएंगे जो अंदर में भरेंगे। उसके लिए प्याज को काट के रखे हैं, आपको दिखाए हैं। और उसको हम फ्राई करेंगे और उसके बाद इसके अंदर देंगे, आपको दिखाते हैं। और मेरे वीडियो में बने रहिए। देखिए गाइस, हमारा करेला को फ्राई कर लिए हैं, देख लीजिए लाल लाल करके कर लिए हैं। और करने के बाद जो तेल बचा है ना, उसी तेल में हम प्याज को दे देंगे। और प्याज को थोड़ा हल्का लाल 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 करके हल्का भूनेंगे और प्याज दे दिए हैं। और प्याज को हल्का भूनते हैं और प्याज में ना थोड़ा सा नमक दे देते हैं। प्याज ना थोड़ा गल जाता है ना, तो ऐसे प्याज गलता नहीं है। थोड़ा सा नमक दे दिए प्याज में और थोड़ा प्याज को हम भून रहे हैं। देखिए, हमारा प्याज ना लाल लाल हो गया है। अब इसमें हम मसाला दे देते हैं। मसाला दे दिए, देखिए गाइस हमारा मसाला हम दे दिए प्याज में और नमक और हल्दी भी दे दिए हैं। अब मसाला को ना खूब अच्छा से भूजेंगे। अब भूजने के बाद उसको थोड़ा ठंडा करके उसके बाद इसमें करेला में इसमें इसको भरेंगे। तो अभी मसाला को धीमा आंच कर दिए हैं, आंच तो कम कर दिए हैं। आस्ते आस्ते मतलब मसाला को अच्छा तरह से पक भी जाएगा और भुना भी जाएगा। तो उसको भून देते हैं। देखिए, हमारा मसाला भुना गया है। अब गैस को बंद कर देते हैं क्योंकि इसको अभी भरना है। भरेंगे उसके बाद फिर उससे उसको ये करेंगे। तो जाते हैं उसको निकाल देते हैं। तो देखिए गाइस, हमारा मसाला कितना सारा प्याज था आप लोग तो देखे थे। देखिए भूनने के बाद कितना थोड़ा सा हो गया है। और करेला अब इसमें इसको हम भर देते हैं, आपको दिखाते हैं भर के। तो देखिए, छोटा चम्मच लिए हैं। छोटा चम्मच से क्या होगा कि भरने में आसानी आएगा, आसानी से मतलब अंदर चला जाएगा। तो देख लीजिए, ऐसे कर दिए। और इसमें हम जो बना के रखे हैं ना, उसको इसमें देखिए
भर देते हैं और अच्छा से भरेंगे, क्योंकि ये तो करेला फ्राई किया हुआ है, मसाला को भी मतलब प्याज और मसाला को भी अच्छे से हम भूज के इसमें भर दिए हैं, और उसके बाद ज़्यादा फ्राई नहीं करना पड़ेगा। इसका तो मसाला तो भूजा हुआ है, तो भूज देने से क्या होता है ना कि टेस्ट थोड़ा कुछ अलग हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं ना कि कच्चा मसाला मतलब भूजते नहीं हैं, वैसे ही भर के बनाते हैं, लेकिन हम भूज के बनाते हैं क्योंकि हमको ऐसे ही अच्छा लगता है। तो देख लीजिए कितना अच्छा से इसको हम भर दिए हैं अंदर में, देखिए पूरा, देखिए भर के इसका मुख तो बंद कर दिए हैं, देख लीजिए। तो और भी भर देते हैं। तो गाइस देखिए सब पर सब करेला को भर दिए हैं, और थोड़ा सा इसको बचा लिए हैं क्योंकि ऊपर से हम देंगे, ऊपर से दे देंगे। और देखिए कढ़ाई में हम तेल दे दिए हैं, थोड़ा सा तेल दिए हैं, ज़्यादा नहीं, देख लीजिए एकदम थोड़ा सा, देख लीजिए तेल दे दिए हैं थोड़ा सा, क्योंकि करेला और सब फ्राई किया हुआ है तो ज़्यादा तेल देने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा सा दे दिए हैं। और उसमें तेल गर्म हो गया है, देखिए सबको एक एक करके इसको तेल के बीच में रख देते हैं, तेल के बीच में रख दिए। और ये जो थोड़ा सा बचा है ना इसको थोड़ा सा ऊपर से दे देते हैं, ऊपर से दे दिए। आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा लाइट यहाँ पे कम है और अंधकार जैसा आ जाता है, तो देख लीजिए हम दे दिए हैं। और धीमा आंच करके थोड़ा सा फ्राई करके उसके बाद गैस को बंद कर देंगे, ज़्यादा इसको आपको करना नहीं है। तो देखिए गाइस हमारा भरुआ तैयार हो गया है करेला का, देख लीजिए इस तरह से हम बनाए हैं। और ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है, और आज का हमारा यही रेसिपी था और यही बनाए आज, और इसके इसके साथ दाल चावल के साथ खाइएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा कि हमारा आज का रेसिपी कैसा बना है और कैसा लगा आप सबको। तो आप हमको सपोर्ट करिए, अपना प्यार अपना साथ हमेशा बनाए रखिए, और मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।